हेलो एवरीवन, आई एम साकेत वाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून। वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड लेक्चर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू बेसिकली डिस्कस अबाउट द लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल को कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज पी इक्वल टू एम वी वेक्टर, है ना? ये हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ रखा है। अब अगर हमारे को सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स का मोमेंटम अगर चाहिए तो क्या करेंगे? तो हमें हर एक पार्टिकल को इंडिविजुअली पकड़ पकड़ के क्या करना होगा, उसका वेक्टर सम करना होगा, राइट? तो वही देखिए, यहां पर लिखा है कि द मोमेंटम ऑफ एन एन पार्टिकल सिस्टम इज द वेक्टर सम ऑफ द कैपिटल एन पार्टिकल्स, दैट इज पी वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई वेक्टर, है ना? पी आई वेक्टर का समेशन मतलब P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर एंड सो ऑन। और P बराबर क्या होता है, M into V, वही यहाँ पर एक्सपेंड करके लिख दिया गया, P इक्वल टू एम आई वी आई वेक्टर। क्लियर है? तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि टोटल मोमेंटम, है ना, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वो क्या बन जा रहा है। आप देखिए कि ये जो टर्म है समेशन ऑफ एम आई वी आई वेक्टर, ये तो देखा देखा सा लग रहा है। आपको याद होगा हम लोगों ने जब डिराइव करा था, क्या डिराइव करा था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो कितना आया था, वो आया था समेशन ऑफ एम आई वी आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई, करेक्ट? तो यहां से आप देखिए समेशन ऑफ एम आई एक तरीके से क्या हो गया, समेशन ऑफ एम आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट समेशन ऑफ एम आई एज टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है समेशन ऑफ एम आई वी आई वेक्टर। और यही तो क्या है, यही है हमारा टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो एक तरीके से हमारे को क्या मिल गया, हमारे को मिल गया यही चीज, देखिए यहां पर लिखा हुआ है पी वेक्टर, है ना, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन एन पार्टिकल सिस्टम वो किसके बराबर है, कैपिटल एन मतलब टोटल मास ऑफ द एंटायर सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट? तो बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ही डिसाइड करती है कि पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, राइट? तो देखिए अगला नोट पॉइंट, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट इफ द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम एड अप टू जीरो, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्सेज, है ना, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जो है वो जीरो हो जाएगा, तो हम लोगों ने पढ़ा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा। तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मास तो कांस्टेंट है ही, तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। क्लियर है ये बात? और यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अब हम लोग ढेर सारे सवाल आज करने वाले हैं, ऑल राइट? चलिए तो इस लेक्चर के पहले सवाल को देखते हैं। अ ब्लॉक मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ सरफेस विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड बर्स्ट इनटू टू इक्वल पार्ट्स कंटिन्यूइंग इन द सेम डायरेक्शन। इफ वन ऑफ द पार्ट मूव्स एट 30 मीटर पर सेकेंड विद व्हाट स्पीड डज द सेकेंड पार्ट मूव एंड व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले तो हम लोग एक ब्लॉक बना लेते हैं। ये जो ब्लॉक है ये शुरुआत में क्या था, ये शुरुआत में 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, और ये क्या हो गया, ये दो अलग अलग पार्ट में टूटने वाला है। इसका मास हम लोग ओवरऑल कह देते हैं 2m, ताकि मुझे m और m शो करने में इजी रहे, है ना? तो अब क्या हुआ, अब ये दो अलग अलग पार्ट में टूटने वाला है ना? तो ये मैंने बना दिया दो अलग अलग ब्लॉक, और इन दोनों के मासेस हैं m और m। अब क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल, एक ब्लॉक की जो स्पीड है वो कितनी हो गई, इसकी मान लेते हैं कि हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे की नहीं दी है ना, तो हमें दूसरे की स्पीड निकालनी पड़ेगी। अच्छा ये देखिए कि इस पर कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, ये खुद किसी रिएक्शन के कारण टूटा है ना? तो अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत में मोमेंटम कितना था, शुरुआत में मोमेंटम था 2m into 20, डायरेक्शन कौन सी है, अलोंग राइट वर्ड, इसको मैं आई कैप बोल सकता हूं, तो लेट अस कॉल इट आई कैप।
ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए फाइनल मोमेंटम के। आई शुड राइट एम वी प्लस एम इंटू 30, और इसकी भी डायरेक्शन दोनों की सेम है, आई कैप के अलोंग। तो यहां से अपने को देखते हैं क्या आ जाएगा। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं एम एम और एम कट गया, तो यहां से क्या आ गया 40 इज इक्वल टू वी प्लस 30, राइट। तो यहां से अपने को देखिए बड़े आराम से क्या आ जा रहा है, v इज इक्वल टू आ जा रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमने पहले पार्ट का तो जवाब निकाल लिया, हमें ये मिल गया कि जो दूसरा मास है वो कितने से जा रहा है, वो जा रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड से। अब हमसे पूछा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए पहले तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालते हैं ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ 2m इंटू 20 स्पीड थी, तो 20 का स्क्वायर, ये कितना आ जा रहा है? ये आ जा रहा है 400m, राइट। 2 से 2 कट गया, तो ये 400m। काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी चलिए निकाल लेते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ इंटू एम इंटू एक स्पीड आई थी 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम इंटू सवाल में दिया था 30, तो 30 का स्क्वायर, ये कितना हो जा रहा है? चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा, ये 100 हो गया, तो ये 50m, और दूसरा कितना हो जाएगा 900, तो 450m। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 500m। चलिए तो अब टाइम आ गया है फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने का, है ना। जैसा कि हमसे सवाल में पूछा गया था, आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो चलिए फ्रैक्शनल चेंज निकालते हैं। तो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ऑल राइट, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितने का आएगा? 500m फाइनली हो गया, माइनस इनिशियली था 400m, और इसको किससे डिवाइड करना है? इसको डिवाइड करना है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, जो कि थी 400m। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 100 अपॉन 400 इज 1/4, विच इज आवर आंसर। तो आप देखिए कितना सिंपल सवाल था ये। ऑलराइट, चलिए तो आज के दूसरे सवाल पर आते हैं। सवाल है, अ कार ऑफ मास एम इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बी ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड व्हेन द हीरो ऑफ अ हिंदी फिल्म ड्रॉप्स हिमसेल्फ ऑन इट फ्रॉम अबव, टेकिंग द मास ऑफ द हीरो टू बी स्मॉल एम, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर द इवेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल लग रहा है ये। इसमें ऐसा करते हैं, एक कार बना लेते हैं, है ना, अ कार जिसका की मास है एम, कैपिटल एम, और ऊपर से कौन कूद गया अचानक से? ऊपर से जंप लगा दिया एक हीरो ने, है ना, एक हीरो ने अचानक से ऊपर से जंप लगाया, और उसके बाद क्या दिया है कि इसका मास जो इंसान का वो है स्मॉल एम, ठीक है। तो अब बोला है कि जब सिस्टम ऐसा हो जाएगा, मतलब कि ये इंसान जो है जब इस कार के ऊपर आ जाएगा, ऑल राइट, तो इस मोमेंट पर हमसे पूछा है कि इस कार की नई वेलोसिटी क्या हो जाएगी, है ना। और ये कहना चाह रहा है कार की सिर्फ वेलोसिटी नहीं, कार प्लस हीरो दोनों की मिलाकर के वेलोसिटी। ऑल राइट, तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अगर मैं ना ऐसा करूं कि इंसान और कार दोनों को मिला करके एक सिस्टम मान लूं, ऑल राइट, ये मेरा हो गया सिस्टम। तो मुझे समझ में आ रहा है कि इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कितना था? ये था सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एम इंटू वी। क्यों? क्योंकि इंसान के पास तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम नहीं था, क्योंकि यहां देखिए लिखा हुआ है ड्रॉप्स हिमसेल्फ, मतलब वो वहां से हो सकता है पेड़ वगैरह के तने को पकड़ के लटका हुआ रहा होगा, और उसने जस्ट देखा कि कार आ रही है, तो उसने तने को, पेड़ के तने को, ब्रांच को छोड़ दिया, है ना, इस तरीके से वो नीचे गिरा है। तो शुरुआत में जो सिस्टम का मोमेंटम था वो कितना था? एम वी प्लस जीरो। जीरो किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? इस हीरो का। बाद में क्या हो गया? बाद में आप देखिए कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट नहीं कर रहा है, क्लियर है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि कोई फ्रिक्शन वगैरह तो मेंशन है ही नहीं यहाँ पर। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा? देर विल बी नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन प्लस कार सिस्टम। ये इंसान क्यों रुका? क्योंकि ये कार के साथ जो है जब स्ट्राइक करा, तो हो सकता है आपस में एक दूसरे पर ये लोग फोर्स लगाए हों, लेकिन ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ मे बी फ्रिक्शन आप कह लीजिए,
ये जो फोर्स है जो इंसान और कार के बीच में एक्ट कर रहा है, टॉकिंग अबाउट दैट फ्रिक्शन, वो जो फ्रिक्शन है वो कैसा फोर्स हो गया, वो तो इंटरनल फोर्स हो गया, और इंटरनल फोर्स के कारण तो सिस्टम के मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आता है। हमने अभी अभी देखा एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो चूंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम लोग क्या बोल देंगे, बाद में मोमेंटम जो होगा वही इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा, तो आई शुड से कि एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी फाइनल। तो यहां से आप देखिए कि वी फाइनल कितना आ गया, यहां से वी फाइनल आ गया कैपिटल एम वी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये बड़ा ही मजेदार सवाल था और उतना ही आसान भी था, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऑलराइट, देखिए बिल्कुल इसी तरीके का मैं आपके सामने एक एग्जांपल लाया हूं कि जैसे कि ना यहां पर क्या होता है कि इस तरीके से यहां पर जो है सैंड को ड्रॉप कराया जा रहा है, मान लीजिए इस कार्ट के ऊपर, और यहां पर बोला इग्नोर एनी फ्रिक्शन बिटवीन द कार्ट एंड द ट्रैक्स, है ना। तो ऐसे केस में देखिए जैसा पिछले सवाल में हुआ था कि यहां पर जैसे इस कार्ट के ऊपर कौन गिर रहा है, इस कार्ट के ऊपर गिर रहा है ये बालू, है ना, ये रेत गिर रही है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि वेलोसिटी पिछले सवाल में जिस तरीके से कम हो गई थी उस तरीके से इस यहां पर भी क्या होगी, कम होगी। देखिए व्हेन वर्टिकली फॉलिंग सैंड लैंड्स इन अ हॉरिजॉन्टली मूविंग कार्ट द कार्ट स्लोस, ये एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, तो इसीलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था क्योंकि वो पिछले सवाल से कनेक्टेड है। यहां पर भी जैसे जैसे सैंड गिरती जा रही है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, ये और ज्यादा हेवी होता जा रहा है ना। तो यहां पर भी हम लोग पिछले सवाल की तरह से रिलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, अ बॉय ऑफ मास 25 किलोग्राम स्टैंड्स ऑन अ बोर्ड ऑफ मास 10 किलोग्राम व्हिच इन टर्न इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल आइस सरफेस। द बॉय मेक्स अ जंप विद अ वेलोसिटी कंपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द आइस। विद व्हाट वेलोसिटी डज द बोर्ड रिकॉइल? विद व्हाट रेट वेलोसिटी आर द बॉय एंड द बोर्ड सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर? ठीक है, तो मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रखा है। अपने को ये दिया है कि ये इंसान जो है ये जब जंप लगा रहा है तो उसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है, इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये विद रेस्पेक्ट टू आइस है, तो ये तो बढ़िया बात है ना। ये आइस ही एक तरीके से हमारा क्या रोल प्ले कर रहा है, आइस जो है वो एक तरीके से प्लेइंग द रोल ऑफ ग्राउंड। ठीक है, अब जो है हमारे को बस ये निकालना है कि बोर्ड किस वेलोसिटी से रिकॉइल करेगा। पहली बात तो ये कि ये रिकॉइल कर ही क्यों रहा है, क्योंकि यहां पर बोर्ड और जो इंसान है इसको अगर मैं सिस्टम मान लूं, ठीक है, तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्स के लॉन्ग तो लग ही नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि यहां पर आइस है जो कि फ्रिक्शनलेस होगी, तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि शुरुआत में तो दोनों रुके हुए थे, अचानक से अगर इंसान ने जंप लगा दिया तो बोर्ड को रिकॉइल करना ही पड़ेगा, वरना पूरे सिस्टम के पास कुछ मोमेंटम आ जाएगा जो कि अलाउेबल नहीं है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, पूरे सिस्टम के मोमेंटम को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। ऑल राइट, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना, अगर मैं इसे पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा हूं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बॉय का जितना मोमेंटम आया उतना ही मोमेंटम का मैग्नीट्यूड किसका होना चाहिए, बोर्ड का। किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। राइट, तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, ये वेलोसिटी ऑफ द बोर्ड। ऑल राइट, तो आई से कि लेफ्ट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है मोमेंटम का, वो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय वी वी। करेक्ट, और इसको किसके मैग्नीट्यूड के बराबर होना पड़ेगा, बॉय के मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के बराबर। सो आई राइट 25 मल्टीप्लाइड बाय 5। राइट, हम लोग यहां पर एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व कर रहे हैं, तो बड़े आराम से आप देख पा रहे होंगे कि वेलोसिटी ऑफ बोर्ड कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ बोर्ड आ गया 25 × 5 125 125 बाय 10 मीटर्स पर सेकेंड, जिसको और सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 12.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमारे को ये मिल गया कि वेलोसिटी ऑफ द बोर्ड कितनी है, वो हो जाएगी 12.5 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉय। अच्छा, ये भी वेलोसिटी जो आई है बोर्ड की किसके रेस्पेक्ट में आई है, विद रेस्पेक्ट टू आइस आई है। ऑल राइट, तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है, वापस अपने डायग्राम पे आते हैं, बॉय भाग रहा है 5 से टूवर्ड्स राइट, बोर्ड भाग रहा है कितने से, 12.5 मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड्स लेफ्ट, तो दोनों एक दूसरे से किस रेट से अलग हो रहे हैं,
है ना, ये निकालना है अपने को, तो बहुत ही आसान है। दोनों जो है अपनी अपनी वेलोसिटी से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग होने में, एक राइट की तरफ तो एक लेफ्ट की तरफ, तो मिला करके नेट के वेलोसिटी से ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं। यहां पर लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, 12.5 + 5 विच इज 17.5 मीटर पर सेकेंड। इस रेट से नेट ये दोनों अलग हो रहे हैं, तो ये बहुत ही आसान सवाल था। चलिए तो अब आ जाते हैं इस लेक्चर के सेकेंड लास्ट सवाल पे। तो सवाल कह रहा है, अ मैन ऑफ मास स्मॉल एम इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ मास कैपिटल एम केप्ट ऑन स्मूथ आइस। इफ द मैन स्टार्ट्स मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म विद अ स्पीड वी रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म, विद व्हाट रिलेटिव टू द आइस डज द प्लेटफॉर्म रिकॉइल। ऑल राइट, तो जैसा कि अपने को सवाल में दिख रहा है, विद व्हाट वेलोसिटी रिलेटिव टू द आइस डज द प्लेटफॉर्म रिकॉइल, ये निकालना है ना। अच्छा, आइस का यहां पर क्या रोल है? आइस जो है वही एक तरीके से हमारे लिए ग्राउंड का रोल प्ले कर रहा है। ग्राउंड क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये जो सवाल है वो ये बताना चाह रहा था कि देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड द आइस। ऑल राइट, तो मैंने दिखा दिया कि ये मैन है, ये प्लेटफॉर्म है और ये आइस है। ऑल राइट, तो सबसे मजेदार चीज यहां पर ये है कि हमने इस बार क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वी रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म, मतलब कि अगर प्लेटफॉर्म पर बैठ जाऊं मैं तो प्लेटफॉर्म के नजरिए में मुझे मैन की स्पीड क्या दिखाई देगी, मुझे मैन की स्पीड दिखाई देगी वी। आइस पर बैठ जाऊं तो मुझे वी स्पीड दिखाई नहीं देगी, है ना। प्लेटफॉर्म पर बैठने पर मुझे वी स्पीड दिखाई दे रही है, क्यों ऐसा फर्क है? Why is there a difference when I'm watching at the man looking from the platform and when I'm looking at the man while staying on the ice? Because man के चलने से हम लोगों ने पिछले सवाल में ही देखा था कि प्लेटफॉर्म भी जो है वो रिकॉयल करेगा, इसीलिए रिकॉयल करते हुए प्लेटफॉर्म पर बैठ जाएंगे तो मैन की स्पीड हमें अलग दिखाई देगी एज कंपेयर टू जिस स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू आइस। ऑल राइट, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि इंसान जो है उसकी स्पीड है टुवर्ड्स राइट कैपिटल डब्ल्यू। ये डब्ल्यू क्या है? ये है स्पीड ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू आइस। ऑल राइट, और मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स लेफ्ट रिकॉइल कर रहा है विद अ स्पीड कैपिटल वी विद रिस्पेक्ट टू आइस। तो यहां पर डब्ल्यू और वी दोनों मैंने किसके रिस्पेक्ट में लिया है? विद रिस्पेक्ट टू आइस ही लिया है। ऑल राइट, तो चलिए थोड़ा आपका रिलेटिव मोशन रिवाइज हो जाएगा। यहां पर हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म बराबर क्या हो जाएगा? वो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। करेक्ट, तो अब यहां पर देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, आप बताइए कि मुझे किस डायरेक्शन में देखना चाहिए। अगर इंसान जो है वो टुवर्ड्स राइट जा रहा है, ठीक है, एक्चुअल में, और प्लेटफॉर्म जो है वो किधर जा रहा है, वो टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, तो इंसान के नजरिए में क्या हो रहा होगा? चलिए सोचते हैं। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन कितना लिख दें, वेलोसिटी ऑफ मैन लिख देंगे हम लोग डब्ल्यू और डायरेक्शन आई कैप, क्योंकि ये तो विद रिस्पेक्ट टू आइस है, माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म क्या लिख दें, वो लिख देते हैं कैपिटल बी, और डायरेक्शन क्या लिख दें, डायरेक्शन हो जाएगी माइनस आई कैप। तो ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। और हमें ये समझ में आ रहा है कि मैन जो है प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में किधर जाता हुआ दिखाई देगा, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तभी तो इंसान जो है क्या कर रहा है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है, जिसके कारण प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ रिकॉइल कर रहा है। राइट, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म की जगह अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हमारे को सवाल में गिवन है। सवाल में कितना गिवन था, स्मॉल वी, और डायरेक्शन जैसा कि हम लोगों ने डिफाइन करा आई कैप हो जाएगा। तो वी आई कैप बराबर कितना हो गया, डब्ल्यू आई कैप माइनस, अच्छा माइनस और माइनस दोनों मिलकर के प्लस हो गए, तो ये हो गया कैपिटल वी आई कैप। राइट, तो ये करने से अपने को एक इक्वेशन तो आ गई, वो है डब्ल्यू प्लस कैपिटल वी इज इक्वल टू स्मॉल वी, है ना। एक ये इक्वेशन हम लोगों ने सेव करके रख ली। अब दूसरी इक्वेशन जैसा कि हम लोगों ने पिछले सवाल में ही लगाया था, हम लोगों ने पिछले सवाल में क्या लगाया था, विद रेस्पेक्ट टू आइस वाली वेलोसिटीज थी, तो हम लोगों ने मोमेंटम कंजर्व उसके हिसाब से कर दिया था। राइट, तो यहां पर देखिए
यहां पर मैंने माना कि मैन जो है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू आइस क्या है, डब्ल्यू है, और डायरेक्शन वर्ड्स राइट है. और मैंने प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू आइस क्या मानी है, मैग्नीट्यूड कैपिटल वी, और डायरेक्शन वर्ड्स लेफ्ट है. तो अपने को सवाल में दिया हुआ था कि मैन का मास स्मॉल एम है और प्लेटफॉर्म का मास कैपिटल एम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, स्मॉल एम इंटू डब्ल्यू हैज टू बी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी. कैपिटल एम कैपिटल वी शुड बी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू डब्ल्यू. ऐसा क्यों, क्योंकि शुरुआत में हमारा सिस्टम जो है वो तो रुका हुआ था, है ना. ये देखिए स्टैंडिंग बोला था ना शुरुआत में, तो शुरुआत में तो सिस्टम के पास कोई मोमेंटम था ही नहीं, तो बाद में भी कोई मोमेंटम नहीं होना चाहिए. तो जिस मोमेंटम से विद रेस्पेक्ट टू आइस वो राइटवर्ड जा रहा है, उसी मोमेंटम के साथ प्लेटफॉर्म को टूवर्ड्स लेफ्ट जाना पड़ेगा. ऑल राइट, तो एक काम करते हैं, अपने पास दूसरी इक्वेशन भी आ गई. दूसरी इक्वेशन ये रही, है ना, इक्वेशन नंबर टू. अब अपने को चाहिए क्या था भाई, जैसा कि सवाल में देख पा रहे हैं, अपने को चाहिए था विद व्हाट वेलोसिटी रिलेटिव टू द आइस डज द प्लेटफॉर्म रिक्वायर. मतलब कि अपने को कैपिटल बी चाहिए ना, हमेशा ये याद रखें कि अपने को चाहिए क्या. तो इसका मतलब अपने को डब्ल्यू को गायब करना है, राइट. तो डब्ल्यू को गायब करना तो बहुत आसान, कैसे करें हम लोग, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन की मदद से हम लोग कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू को कितना लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल वी माइनस कैपिटल वी, और इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर टू में, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू डब्ल्यू, और डब्ल्यू कितना हो गया, वी माइनस कैपिटल वी. तो यहां से थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाएगा एम वी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू वी माइनस स्मॉल एम इंटू कैपिटल वी. तो यहां से देखिए, अगर मैं वी एम वी को इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा कैपिटल वी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी, राइट. तो यहां से देखिए, अपने को फाइनल आंसर भी आ गया, कैपिटल वी इज इक्वल टू स्मॉल एम स्मॉल वी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. तो यही रहा हमारा आंसर. तो आपको कहां पर थोड़ा कॉशियस रहना पड़ा, आपको कॉशियस रहना पड़ा कि यहां पर जो वेलोसिटीज दी हुई थी वो विद रेस्पेक्ट टू किसके दी हुई थी, अपने को विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म दी हुई थी, इसीलिए अपने को एक इक्वेशन देखिए एक्स्ट्रा लिखनी पड़ी. कौन सी, ये रिलेटिव वाली, है ना. तो रिलेटिव वेलोसिटी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि पूरे के पूरे मैकेनिक्स में देखिए उसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ती ही रहेगी. ऑल राइट, ठीक है. तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे. ऑल राइट, तो इस लेक्चर के आखिरी सवाल को देखते हैं. सवाल है, अ बॉल ऑफ मास है मूविंग विद अ वेलोसिटी वी अलोंग एक्स एक्सिस स्ट्राइक्स अनदर बॉल ऑफ मास 2m केप्ट एट रेस्ट. द फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन एंड द अदर ब्रेक्स इनटू टू इक्वल पीसेस. वन ऑफ द पीसेस स्टार्ट्स मूविंग अलोंग वाई एक्सिस विद द स्पीड v1. व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द अदर पीस. तो चलिए, मैंने आपके लिए डायग्राम बना रखा है. जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, शुरुआत में ये जो m मास का बॉल है ना, ये आया और 2m से टकराया, ठीक है. और शुरुआत में m की स्पीड थी v. अब ये कह रहा है कि टक्कर के ठीक बाद, है ना, ये पूरा का पूरा जो फेनोमेना हो रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हो रहा है ना. आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक टेबल पर ये दोनों बॉल्स हैं जो इस तरीके से आकर के टकरा रहे हैं. ऑल राइट, तो यहां पर जो वाई होगा और एक्स होगा कौन सा होगा, ये एक्स होगा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाई होगा. ऑल राइट, तो यहां पर हमारे को समझ में आ रहा है कि जो भी फेनोमेना हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल सर्फेस पर हो रहा है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है. तो हम लोग एक्स और वाई दोनों ही डायरेक्शन में मोमेंटम को बड़े आराम से कंजर्व कर सकते हैं, क्लियर है. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या. हुआ ये कि स्मॉल एम मास का जो बॉल था वो इमिडिएटली रुक गया, और जो 2m मास का जो बॉल था ना, वो एक्चुअली दो पार्ट में टूट गया. एक पार्ट जो है उसका वो क्या करने लगा, एक पार्ट जो इसका है वो बोल रहा है कि जो m मास का था वो ऊपर, मतलब ऊपर मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग जाने लगा, ठीक है. और उसकी स्पीड दी हुई है यहां पर v1. अब आप खुद सोचिए कि दूसरे पार्ट जिसका मास m होगा उसको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए. देखिए, अब इस स्मॉल m के पास ना दो दो जिम्मेदारी आ गई. एक जिम्मेदारी आ गई कि शुरुआत में जो सिस्टम का मोमेंटम टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस था उसको मैनेज करना होगा, और उसके अलावा सिस्टम के पास वाई एक्सिस के लिए कोई भी मोमेंटम नहीं था. लेकिन इस
पहले वाले स्मॉल एम के कारण क्या है, बाई एक्सिस के लोंगे मोमेंटम आ गया, उसको भी तो गायब करवाना होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस देखते हैं बात करके, शुरुआत में मोमेंटम कितना था, वो था एम बी। तो बाद में क्या होगा, बाद में लेट अस से कि ये स्मॉल एम के पास दो दो वेलोसिटीज के कंपोनेंट आ गए, एक तो वी एक्स आ गया और एक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वी वाई इस डायरेक्शन में आएगा, ताकि वो वी वन को कैंसिल आउट कर सके। तो मैं लिख देता हूँ एम बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम इंटू वी एक्स, करेक्ट है। अभी तो ये जो एम बी एक्स है वो मेंटेन करवाएगा इनिशियल सिस्टम के मोमेंटम को अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, यहां से मिल गया वी एक्स इज इक्वल टू वी, एक पार्ट तो मेरा आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है वी वाई। तो वी वाई निकालना टफ नहीं है, क्यों नहीं टफ है, क्योंकि शुरुआत में, पहले तो मैं लिख देता हूं अलोंग वाई एक्सिस, शुरुआत में मोमेंटम कितना था सिस्टम का, शुरुआत में वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम था जीरो, बाद में कितना होना चाहिए, आइए डायग्राम को देखते हैं। ये जो स्मॉल एम है उसके कारण मोमेंटम वाई के अलोंग आ गया एम बी वन, तो जो दूसरा एम है उसके कारण कितना आना चाहिए, उसके कारण आना चाहिए एम बी वाई, सच दैट एम बी वन शुड बी इक्वल टू एम बी वाई। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एम बी वन जे कैप, और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस एम वी वाई जे कैप। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये यहां पर माइनस जे कैप है और एम बी वाई है, तो यहां से आ गया एम वी वन शुड बी इक्वल टू एम वी वाई। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, मेरे पास वी वाई की वैल्यू आ गई वी वन। ऑलराइट, तो मुझे सवाल में देखिए क्या पूछा गया था, सवाल में मेरे से पूछा गया था व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द अदर पीस। तो मैं सिंपली वेलोसिटी ऑफ द अदर पीस क्या बोल सकता हूँ, वो हो जाएगी वी आई कैप माइनस वी वन जे कैप, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द अदर ब्लॉक। क्लियर है? तो अगर मेरे से मैग्नीट्यूड पूछा जाए वेलोसिटी का, तो मैं कितना बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी वन का स्क्वायर। ऑलराइट, तो हमारा फाइनल जवाब देखिए इस डायग्राम की मदद से और अच्छे से दिखेगा, फाइनल जवाब हो जाएगा कि ये जो स्मॉल एम है वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, एक्स और माइनस वाई के बीच की किसी रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है, सच दैट कि ये थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। ये थीटा कैसे निकालेंगे, हम लोग बोल देंगे टैन ऑफ थीटा, है ना, टैन ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा, आप ऐसे देख सकते हैं ये वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट और ये वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर हमें पता हो तो हम लोग बोल देंगे कि ये एंगल थीटा है। ये एक्स के लॉन्ग कितने से जा रहा है, हमने अभी भी देखा एक्स के लॉन्ग ये बी से जा रहा है, और नीचे कितने से जा रहा है, ये नीचे भी ये वी वन से ही जा रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया, टैन थीटा इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी। ऑल राइट, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे आ जाएंगे जिसमें और एडवांस तरीके से हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से ये मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को अप्लाई किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल रॉकेट प्रोपल्शन जैसे अच्छे केसेस भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।